हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलडी डीलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यूनिफॉर्म स्कर्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो इस स्कर्ट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, तो इस स्कर्ट को हम बॉक्स वाली स्कर्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एक ही बार में स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना आ जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जो भी तरीका हम बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्कर्ट कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। ये जो फैब्रिक है ये हमारा 1 मीटर है। तो इसमें जो हम 14 से 15 साल के बच्चे की स्कर्ट कटिंग करेंगे, तो फ्रेंड्स किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो आप देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा ये कपड़ा है। तो ये तो इसकी लेंथ है और फ्रेंड्स इस तरफ से हमारा ये अर्ज है। तो जैसे दोस्तों हम जैसे छोटे बच्चे की स्कर्ट कटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा है यानी अर्ज वाला हिस्सा है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और हम यहां से इस तरह से लंबाई का मार्क करके इस तरह से निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारी थोड़ी सी बड़े साइज की स्कर्ट है और इसमें हमें घेर भी चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, वैसे हमारे पास ये कपड़ा 1.5 मीटर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और इसको लंबाई में यानी इस हिसाब से अर्ज के हिसाब से दोनों पार्ट निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे पास ये कपड़ा कम है क्योंकि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 24 इंच और इसकी जो कमर है वो है 30 इंच। तो इसमें हमारी जो लंबाई है वो नहीं बैठेगी। ये देखिए, 1 मीटर हमारा कपड़ा है तो इसमें हमारी 19 इंच लेंथ बैठेगी। तो किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, तो फ्रेंड्स जैसे आपके पास पर्याप्त कपड़ा है तो आप इस तरह से कपड़ा डबल फोल्ड कर लेंगे और आप इस तरफ से निकाल लेंगे। लेकिन इसमें जो कपड़ा है वो कम है, तो हम किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कपड़ा है ये हमने उल्टा फोल्ड कर रखा हुआ है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों इसको हम इस तरह से इस वाले भाग से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा अर्ज ज़्यादा है। तो ये 30 इंच कमर की है और इसमें बॉक्स प्लेट डालेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा घेर भी चाहिए होगा। यदि हम इससे निकालेंगे तो हमारा घेर नहीं बैठेगा। तो हम इस तरफ से कपड़े को बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों एक तरफ एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं, ये हमारी बंद साइड जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो लंबाई है स्कर्ट की वो 24 इंच है। तो इसमें जो हम ऊपर की तरफ जो है बेल्ट लगाएंगे वो लगाएंगे 2 इंच की चौड़ी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ये 24 इंच लंबाई है तो इस तरह से हम ये 24 इंच और इसमें हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ से 2 इंच हम इसको निकालेंगे। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि 0.5 इंच का जो मार्जिन है हमारा बेल्ट में जब अटैच करते हैं तो चला जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.5 इंच इसमें प्लस कर लेंगे, ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच ही निकालेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर देंगे 24 इंच पर, 1.5 इंच ऊपर निकालने के बाद। तो जो प्रॉपर हमारा जो मार्क आएगा वो आएगा 22.5 इंच। तो इस तरह से हम 22.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए फ्रेंड्स हम यहां पर मार्जिन रखेंगे, वो रखेंगे हम 2 इंच का। इस तरह से हमने ये जो बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखा है वो 2 इंच का रखा हुआ है। और दोस्तों ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमारी बेल्ट चिपक जाएगी और एक पार्ट में हमारे लूप्स निकल आएंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारा बॉटम कहाँ से फोल्ड होना है। तो इस तरह से हम इसमें चटका लगा लेंगे। अब दोस्तों जैसे ये ऊपर वाली साइड है, ये हमारी बंद वाली साइड है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद ये वाली जो साइड है ऊपर की तरफ, इसको हम खोल देंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 पार्ट हो गए हैं। ये इसका हम अर्ज आपको नाप कर दिखा देते हैं। इसका जो अर्ज बैठ रहा है हमारा बैठ रहा है
39 इंच। तो इस तरह से हमारे ये दो पार्ट कट हो गए हैं। तो इस तरह से हमने जो स्कर्ट का घेरा है वो कट कर लिया है। इसकी जो कमर है वो है 30 इंच। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसकी हम बेल्ट को समझते हैं। ये हमारे जो है बेल्ट के लिए कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो किस तरह से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो इसकी जो कमर है वो है 30 इंच। तो इस तरह से हमने इसको डबल रखा हुआ है, तो 30 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 15 इंच। तो इस तरह से 15 इंच पर मार्क करेंगे। प्लस दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से 2.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। जैसे हमारी स्कर्ट कभी टाइट हो जाती है कमर में तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम कट कर लेंगे और इसमें जो है हमारी 2 इंच की बेल्ट डल जाएगी। अब दोस्तों जैसे हमने ये जो मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पर हम एक चरका लगा लेते हैं क्योंकि ये जो है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। यहाँ फ्रेंड्स इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स डालने का क्या तरीका होता है, किस तरह से हम प्लेट्स का मार्क करते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये जो पार्ट कट किए हुए हैं इन पार्टों की हम जो है लंबाई नाप लेते हैं, कितना हमारा ये अर्ज है। तो यहाँ से 1/2 इंच हम इस तरफ से छोड़ेंगे और 1/2 इंच हम इस तरफ से छोड़ेंगे क्योंकि हम एक साइड से बंद करेंगे इसको। तो ये हमारा 38 आ रहा है, 38 को हम डबल कर लेंगे तो हमारा हुआ 76 इंच। तो इस तरह से जो हमारा घेर है वो है 76 इंच और जो बेल्ट हम इसमें अटैच करेंगे वो है 30 इंच। तो क्या करेंगे, 76 में 30 इंच हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो बचा हुआ है वो 46 इंच बचा हुआ है। दोस्तों जो हमें प्लेट्स डालनी है वो 46 इंच की डालनी है, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। तो हम किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो जो अब फ्रेंड्स जैसे ये हमारा जो है 46 इंच बचा हुआ है, यानी जो बचा हुआ कपड़ा है तो ये हमारा 46 इंच है। 46 इंच में ही हमें बॉक्स प्लेट डालनी है। तो हम बेल्ट में किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो इस तरह से ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है और फ्रेंड्स यहाँ से जो है हमें जो है प्लेट्स डालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे, एक मार्क इस तरह से 2 इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे और हम यहाँ पर चटका लगा लेंगे जिससे हमारे दूसरे पार्ट में भी चटके उठ जाएंगे और अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो हम यहाँ पर चटका लगा लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक चटका लगा लेते हैं। अब इन मार्कों को आपको गिन लेना है कि ये हमने कितने कट लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आपको काउंट करना है। ये हमने जो मार्क किए हुए हैं ये हमारे 13 मार्क आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 46 इंच निकल कर आया हुआ था इसमें हम 13 का भाग दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये जो निकल कर आया है वो है 46 इंच। तो इसमें हमें 3.5 इंच की प्लेट्स डालनी हैं और 2 इंच की गैपिंग पर। तो किस तरह से हम इसमें मार्किंग करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है, नीचे का पार्ट है ये हमारा बॉटम वाला है। तो किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम एक साइड में मार्क कर लेते हैं क्योंकि हम इसमें साइड में सिलाई लगाएंगे। तो एक इंच हम इसमें क्योंकि हमें साइड से इस तरह से सेल्फ भी बनाना है और इसमें सिलाई भी लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने 1 इंच इसको छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे, तो हमने जो बेल्ट में गैपिंग दी हुई थी वो दी थी 2 इंच की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। इस वाले मार्क से फिर हम क्या करेंगे, 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। फिर इस वाले मार्क से फिर हम 2 इंच का एक मार्क करेंगे। फिर इस वाले मार्क से हम फिर करेंगे 3.5 इंच का मार्क। फिर इस वाले मार्क से हम 2 इंच का मार्क करेंगे और फिर हम कर लेंगे 3.5 इंच का मार्क। तो इस तरह से आपको पूरी बेल्ट में मार्किंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें जो है मार्किंग कर ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेट्स डालने से पहले सबसे पहले हम इसकी साइड जोड़ लेंगे। यहाँ से जो है हम इसकी साइड जोड़ लेंगे एक तरफ, क्योंकि हमें जब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे तो हमारी जो प्लेट्स है बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। अब दोस्तों प्लेट्स आपको किस तरह से डालना है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो हमने 3 इंच 3.5 इंच का जो मार्क किया हुआ था
तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से सेंटर से इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम यहाँ से लेके एक इंच की दूरी तक इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ये इस तरह से हमारे जो है बॉक्स बन जाएगा, इस तरह से हमारा ये बॉक्स बन जाएगा। और फिर दूसरी प्लेट हम इसी तरीके से दूसरी प्लेट से डाल लेंगे। इसी तरीके से हमारी सारी प्लेट्स पड़ जाएंगी। चलिए हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। हम इसकी अब आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारा, ये तो है हमारे बेल्ट का कपड़ा और ये हमारे लूप्स बनाने के लिए काम में आएगा। तो इन दोनों को हम साइड में रख लेते हैं। हम बॉडी में किस तरह से प्लेट्स डालेंगे चलिए वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक साइड से एक मार्क किया हुआ था, यहाँ से जो एक इंच का मार्क किया हुआ था, तो सबसे पहले तो हम इस एक साइड को हम बंद करेंगे। इस तरह से बंद करने के बाद फ्रेंड्स इसमें जो है हम इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस तरह से ये जो है हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए पूरा घेरा हमारा जो है अटैच हो गया है। तो फ्रेंड्स अब इसमें जो है हम प्लेट्स डालेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इतना जो मार्जिन है ये इतना हम छोड़ेंगे और ये जो हमने 2 इंच का मार्क किया हुआ था इसको हमें छोड़ना है। और यहाँ पर जो 3.5 इंच का मार्क किया हुआ था इसमें हमें प्लेट्स डालनी है। तो दोस्तों प्लेट्स आप किस तरह से डालेंगे, एक तो जैसे आप अच्छी तरीके से डालना चाहें तो इस तरह से आप यहाँ से इस चटके पर मिलाएंगे और यहाँ से इस चटके पर मिलाएंगे अंदर की तरफ। इस तरह से इसमें जो है हमारी प्लेट्स डाली जाएगी। तो इसमें हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। तो हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों इस तरह से ये जो हमने चटका लगाया हुआ था 3.5 इंच का, इन दोनों चटकों को हम आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड्स हम इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हम एक इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम ये 2 इंच का मार्क छोड़ेंगे। फिर हमने ये जो 3.5 इंच का मार्क किया हुआ था उसमें भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जब प्लेट्स आएंगी तो हम इस तरह से इसको बी सेंटर से इस तरह से तोड़ेंगे। बी सेंटर से करके अच्छी तरीके से प्रेस से तोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बॉक्स प्लेट बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरीके से हम पूरी स्कर्ट में प्लेट्स लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सारी प्लेट्स को डाल लिया है। वो डालने के बाद दोस्तों आपको प्लेट को अच्छी तरीके से बिठा लेना है सेंटर से। तो इस तरह से सेंटर से आपको बिठा लेना है। आप प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बिठा लेना है। सभी प्लेट्स पर आप सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से। तो हम यहाँ से इसको रखते हैं। रखने के बाद हम इस तरह से प्लेट की जो दर्ज है चीर कर अच्छी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। जैसे दोस्तों आपकी जो प्लेट्स है जैसे कम पड़ जाए, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए, तो आप प्लेट्स को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से प्लेट्स को डालने के बाद इसकी हम शाइड बंद कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम नाप कर आपको दिखा देते हैं जितना हमें इसको छोड़ना है। तो यहाँ से हम यहाँ तक जो है इसका सेल्फ बनाएंगे, यानी इतना हमारा चाक रहेगा। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर जो सिलाई लगाएंगे वो हम 1.5 इंच से लेके 1 इंच की लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये हमारा जो है सेल्फ बन जाएगा। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इस पर भी आपको इंटरलॉक कर लेनी है। इंटरलॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से जो हमने इतना मार्जिन दिया हुआ था इस तरह से हम मार्जिन को फोल्ड करेंगे। इस तरह से इतना मार्जिन फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये बॉटम फोल्ड हो गया है। अब फ्रेंड्स इसकी हम जो बेल्ट है उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। ये थोड़ा सा आगे से हमने इसको छोड़ रखा है, यहाँ से भी हमने इसको छोड़ रखा है। जैसे हमारी बेल्ट कम ज़्यादा होती है तो उसी हिसाब से हम इस बॉक्स को बना लेंगे। तो इसके लिए हमने इसको रखा हुआ है। इसकी जो कमर है वो है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इतना जो हमने सेल्फ बनाया हुआ था उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों हम एक बार आपको नाप कर दिखा देते हैं ये हमारी किस तरह से आएगी। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, ये 16 × 32 इंच आ रहा है हमारा। तो जब हम यहाँ पर एक प्लेट डाल लेंगे तो हमारा जो है बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है, दोनों साइडों पर इंटरलॉक कर ली है। अब हम इसका सेल्फ बनाएंगे। तो सेल्फ बनाने से पहले दोस्तों हमने इसको फोल्ड नहीं किया हुआ था, लेकिन अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आप लोग जब इसको बनाएं तो सबसे पहले इसको साइडों पर फोल्ड कर लें, जो आपका सेल्फ है वो कच्चा नहीं दिखेगा। तो हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है। अब हम इसको इस तरह से मोड़कर इसमें सिलाई लगा लेते हैं, यानी इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब दोस्तों हम किस तरह से सेल्फ बनाएंगे, तो इस तरह से हम कपड़े को अच्छी तरीके से बिठा लेंगे और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमने चौक से इसमें मार्क किया हुआ है और इसमें हम अच्छी तरीके से टांकी लगाकर यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स इसकी हमने पेस्टिंग कर ली हुई थी, ये बेल्ट है हमारी, तो अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स जहाँ से हमने बेल्ट का मार्जिन का मार्क किया हुआ था तो उतना हिस्सा हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और बेल्ट को हम अटैच करेंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसको बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बेल्ट कच्ची हो गई है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसको हम पक्का करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड इसको बंद कर लेते हैं और दोस्तों ये जो हमारा बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसको हम फोल्ड कर देते हैं, जिससे हम बेल्ट को कभी खोल कर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम अंदर ही फोल्ड कर देते हैं। और इसमें हम लपकी सिलाई से इसको पक्का कर देंगे एक साइड। इस तरफ हमारी हाई लगती है। अब फ्रेंड्स इस तरह से हम बेल्ट को पक्का करेंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसको हम लपकी सिलाई से पूरी बेल्ट को पक्का कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी हम एक लपकी सिलाई से बेल्ट को पक्का कर लेते हैं। अब हम इसके सेल्फ की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये हमारा आएगा। तो इसमें हम बीच सेंटर पर एक हुक का निशान लगाएंगे और अच्छी तरीके से हम इसमें हुक लगा देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम दो बार फोल्ड करेंगे। एक बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इसको हम लपकी सिलाई से पक्का कर देंगे। और इसमें जो बीच का मार्जिन है यहां पर हम तुरपाई कर लेंगे। हाई लगाने के लिए हम इस तरह से सेल्फ को मिलाएंगे।
मिलाने के बाद जहाँ पर हमने हुक लगाया हुआ था वहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, एक मार्क हम और कर लेंगे। तो इसमें हम दो हुक से लगाएंगे, तो जैसे हमारी कमर ढीली रहे तो हम दूसरे हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी स्कर्ट बनकर तैयार हो जाती है। अब दोस्तों इसमें हम लूप्स लगाएंगे, तो लूप्स हम किस तरह से लगाते हैं, तो इसमें जो लूप्स हम लगाएंगे वो 5 लूप्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लूप्स के लिए मार्किंग करते हैं, तो इस तरह से हम नाप कर देख लेंगे और इसमें हम 4.5 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो 5 लूप्स इसमें लगेंगे। तो लूप्स बनाने के लिए हमने ये पट्टी ले ली है, तो इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा कर लेंगे। इसमें हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों इसकी हम बीच की दर्ज चीरेंगे और इस दर्ज पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको हम पलटेंगे। तो हम एक तान की मदद से इसको पलट लेंगे। लूप्स के दोनों तरफ हम लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। और इसको हम कट कर लेंगे। अब दोस्तों किस तरह से लूप्स हमारा इसमें लगाया जाता है चलिए वो देखते हैं। तो जहां पर हमने मार्क किया हुआ था वहां से हम इस तरह से इसको तोड़कर रखेंगे इस तरह से, और इस पर हम अच्छी तरीके से टांकी बांधकर इसको पक्का कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्कर्ट की स्टिचिंग और कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि फ्रेंड्स आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।